हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का एक न्यूमेरिकल है जो कि आज आप लोग का सोल्व करके हम दिखाएंगे। हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि हाउ फार फ्रॉम अ पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर तो समझते होंगे जो कि कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर पर साइन कन्वेंशन भी आप लोग सीखे होंगे, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा गया फ्रॉम एन इमेज, ठीक है, हुज साइज इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो है ना, इमेज जो है वो साइज है इमेज का जो कैसा है, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से कैसा है, हाफ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात आता है वो गिवेन है, यानी कि कह सकते हो कॉनकेव मिरर, यानी कि बता सकते हो कॉनकेव मिरर में क्या हुआ, जो इनर सरफेस जो होता है पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और बल्चिंग वाला पार्ट पूरी तरह से क्या होता है, पॉलिश होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मैं गिवेन लिख देता हूं, ठीक है, समझने के लिए। ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। कैसा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। देखिएगा ये आपका कॉनकेव मिरर एम और एन है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल, और ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया, मींस करता है हाउ फार द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि जो इसका गिवन क्या आया निकलकर, गिवन है, जो गिवन है एफ जो है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ देखे तो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है, यानी कि ये नेगेटिव साइन, यानी कि इसका फोकल लेंथ कैसा होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, नेगेटिव होगा, तो माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद क्या, सुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को रखा गया मीन्स टू फॉर्म एन इमेज, ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी तो इमेज फॉर्म होगा ना, जिसका साइज होगा, इमेज का जो साइज है हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज को क्या डिनोट करते हैं, एच आई से, तो एच आई जो है ना ऑब्जेक्ट का हाइट मीन्स एच ओ जो है आधा है। ठीक है, एच आई जो है आधा है किसका, मीन्स एच आई जो है, और मिस कह सकते हैं एच आई इक्वल टू हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आधा है। ठीक है, अब जो आता है बात यहां पर मैग्निफिकेशन का, ठीक है, क्या आता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन अगर निकाला जाए तो अगर डायरेक्ट अगर मैग्निफिकेशन अगर डिनोट करते हैं तो एम इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाय एच ओ होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिये, तो यहां पर एच आई क्या दिया हुआ, एच आई इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, ये इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करिएगा, इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करिए, जो इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व क्या पर कर पा रहेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाफ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या है, आधा है, तो एच आई की जगह पर मैं इस इक्वेशन को रख सकता हूं, तो एम इक्वल टू क्या होगा, एच आई जो रखेंगे हाफ मीन्स ऑब्जेक्ट का हाफ, और ये आपका मेन हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, मेन हो गया, जो क्या कर सकते हो, एच ओ। तो देखिए यहाँ पर अगर कैलकुलेशन, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है बहुत सारे बच्चे को, तो सो सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा, एम इक्वल टू एच ओ बाय टू इन टू, इसके नीचे वन रख दो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वन बाय एच ओ हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक, नहीं होना चाहिए, ए से ए कैंसिल, दैट मीन्स क्या कर सकते हो, आपका जो अगला टर्म बना एम इक्वल टू वन बाय टू बना, अगर इससे फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 आएगा, क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, 0. यहां पर क्या कह सकते हो, 5 आ गया। अब देखिए यहां पर 0. यानी कि m जो आ गया क्या आया, मैग्निफिकेशन, वो क्या आया 0.5 आ गया। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन कितना प्राप्त हुआ, 0.5। अब यहां से देखिएगा हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन ही निकाल दो। ठीक है, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या कह सकते हो, माइनस वी बाई यू होता है। ठीक है, माइनस वी बाय यू होता है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहां से जो टर्म आपको फाइंड आउट करेंगे, यहां से जो टर्म आपको फाइंड आउट करके हम लाएंगे वो देखिएगा ध्यान से, वो क्या होगा, माइनस वी। तो देखिए यहां पर माइनस वी, तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया, 0.5 आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए टर्म, यहां पर ये माइनस में होगा, ए बी जो आपको होगा ना, ये पूरी तरह से क्या होगा, माइनस में, क्योंकि इमेज यहां पर कैसा है, ये आपको कह सकते हो, यहां पर मैं लिख देता हूं, इमेज जो है इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, कैसा इमेज है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज है, कैसा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, कैसा इमेज है, ये इन्वर्टेड इमेज है, जो एच आई है जो पूरी तरह से कैसा है, इन्वर्टेड इमेज, कैसा है, इन्वर्टेड इमेज।
ये इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है, इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा लिख लो इमेज ऐसे, तो यहाँ पर अगेन आप चलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या कर सकते हो, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, ठीक है। आप देखिएगा एक टर्म तो आपको समझ में आता होगा, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू आता है। सो देखिएगा ये आपको इस तरह से यहां से गेन हो गया। आप क्या कर सकते हो, हमें मैग्निफिकेशन आया 0.5 इक्वल टू माइनस वी, तो यहां पर देखिए तो मैग्निफिकेशन हमें माइनस में प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, माइनस में प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ है, माइनस में, ये आपका मैग्निफिकेशन भी माइनस में ही प्राप्त हुआ है आपको, सिंपल सा देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या कर सकते हैं, मैग्निफिक मीन्स माइनस में चला जाता है, तो ये टर्म आपको माइनस में डिनोट कर दिया, तो ये आपको माइनस में भी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर माइनस साइन छोड़ा था, सॉरी, यहाँ पर माइनस वी बाई यू हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.5 यू इक्वल टू माइनस वी, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 0.5 यू इक्वल टू वी, तो हमें वी इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 0.5 यू प्राप्त हुआ। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपको यहां से गेन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, भी इमेज गेन हो गया। अब हम क्या करेंगे अगला टर्म में, अगला टर्म में हम कर क्या सकते हैं, अगला टर्म में हमें मिरर फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला को यूज कर देते हैं। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला, सो देखिएगा, 1/v + 1/u = 1/f होता है। इज इट क्लियर, अब ये मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1/v का वैल्यू क्या है, 0. देख सकते हो, तो यहां पर क्या आ गया, 0.5u आया, यहां पर आया 0.5u, दैट मींस कह सकते हो यहां पर लिखेंगे 0.5u प्लस 1/u = 1/f। देखिए यहां पर एक थोड़ा सा मैं अलग तरीका का कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर आपको डेसिमल 0.5u है, u है ये, तो कर क्या सकते हो, डेसिमल हटाओ, यानी कि क्या कर सकते हो, ऊपर में 10 जाएगा और ये क्या बचेगा, जीरो खत्म, तो ये 5u बचेगा, ठीक है, प्लस 1/u = 1/f, और 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए वहां -10 दिया होता है, इसके जगह पर -10 को भी पुट कर दो। आप देखिए 5 × 2 = 10, यानी कि आपको आ गया क्या, 2/u + 1/u = -10, क्या आया, -10 हमें गेन हो गया। यहां से कोई डाउट नहीं है, यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर से क्या कर सकते हैं, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा u बन गया, तो यानी 2 + 1, यानी कि 1/f, ठीक है। अब यहां से देखिए 3/u आ गया इक्वल टू, यहां पर -10 है, सॉरी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -10, तो देखिए यहां पर 1/-10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -30u बराबर क्या आया, -30, यानी कि u इक्वल टू लिख सकते हैं -30। ये आपको फाइनल यहां से इस तरह से u भी प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, u भी यहां से गेन हो गया। अब हमें क्या निकालना है ना, निकालना है सिंपल सा कि यहां पर इस इक्वेशन में अगर मैं इसका u का वैल्यू रख दूं तो v हमें आसानी से गेन हो जाएगा ना, हमें v एक्चुअली में गेन नहीं हुआ क्योंकि v इक्वल 0.5 u है, तो हमें v इमेज का निकालना, इमेज निकालना। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, वी के अकॉर्डिंग अगेन, यानी कि कह सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन यहां पर कह सकते हो, ये सेकेंड इक्वेशन है आपका, और ये इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, वी इक्वल यहां पर लिख सकते हो, वी इक्वल, ठीक है, 0.5 और u है, तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर देखिएगा वी इक्वल कर सकते हो आप, यहां से इसके बाद देख लेना यहां पे, तो वी इक्वल दिया हुआ है क्या, 0.5 दिया हुआ है u, तो u दिया हुआ है, अब वी इक्वल टू क्या कर सकते हो, 0.5 इंटू वी, u का वैल्यू क्या आया, देखिए यहां पर u का वैल्यू -30 आया, -30 कर सकते हैं, तो v इक्वल टू यहां पर 0.5 है, तो इसका डेसिमल हटा दो, यानी कि क्या ऊपर में हो जाएगा, 10/5 इंटू
माइनस थर्टी, क्या कर सकते हो माइनस थर्टी। तो अगर हम कैंसिल करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या आ जाएगा, ये सिंपल सा तो टेन बन गया ऊपर में, तो ये सिंपल सा कर सकते हो, सिंपल सा अगर करेंगे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो 0.5, यानी कि अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर नहीं जाएगा, सॉरी यहां पर 5/10 बन जाएगा इनटू माइनस 30 बन जाएगा, सॉरी इस तरह से कैलकुलेशन होगा। 10 3 जा यहां पर कर सकते हो 30, यानी कि भी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर माइनस 5 × −3, यानी कि भी इक्वल टू −15 आंसर। ठीक है, तो हमारा भी क्या प्राप्त हुआ −15 हमें गेन हो गया। ये आपका पूरी तरह से क्या हो गया आंसर गेन हो गया। ठीक है, पूरी तरह से आंसर हो गया। और देखा जाए अगर −15 आया तो यहां पर कह सकते हो इमेज जो फॉर्म होता है डिस्टेंस वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, कितना पोल ऑफ द मिरर से 15 सेंटीमीटर पर बनता है, सिंपल सा कह सकते हो, इतना आपको आंसर हो गया। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।